हेलो हेलो, जनता माफ तो कर ही देगी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। अरे यार अंकल, तुम नेटफ्लिक्स नहीं देखना, हमको यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं, क्या कर रहे हो? Hi guys, a very good evening to you all. Just quickly let me know in the chat box if I'm properly audible and visible to you or not. जल्दी से बता दीजिए। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। जल्दी जल्दी बता दें भाई साहब, लकी घड़ी पहन ले हैं। ओहो, बहुत जरूरी होता है। क्या है, थोड़ा ऐसे अच्छी खबरें आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, दिल से मजा आता है भाई साहब, दिल से खुशियां होती है। ठीक है, सो हो भाई साहब, आज का दिन काफी ऐसे गम में कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा ऐसे फ्यूचर को लेकर के सामंजस्य नहीं भिट पा रहा था अपने दिमाग से। तो मैं अपनी पहले टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। एक बार प्लीज मुझे क्रॉस चेक करके बता दो, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। यस सो भाई साहब, खुशखबरी आ चुकी है। सो फाइनली RJS 2021 का रिजल्ट आ गया है एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट आयुषी गोयल हैज बैग्ड रैंक 11। यस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आयुषी, रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, यू हैव मेड माँ पापा प्राउड, ऑल द वेरी बेस्ट, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। जल्दी अपन लोग मिलेंगे, क्योंकि भाई कॉल तो आयुषी ने कर दिया, वीडियो कॉल भी कर दिया, बात भी हो गई, फोटो भी आ गई, सब कुछ हो गया, सारी अपडेट मेरे टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हो। सो वंस अगेन हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्रैकिंग रैंक 11, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एक तरफ और रैंक 11 वेरी गुड रैंक आई वुड से फॉर somebody who's अ फ्रेशर, फर्स्ट टाइम पेपर दिया, रैंक 11 सिक्योर की है, डेफिनेटली द बेस्ट रैंक, वन ऑफ द बेस्ट रैंक, लेकिन बहुत ही अच्छा स्कोर। गुड जॉब आयुषी, वंस अगेन हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर नाउ actually an inspiration for all the students who want to crack judicial service examinations, not just in Rajasthan, but in UP, but in Bihar, but across all your India. So, heartiest congratulations. I am myself not able to contain that excitement. I am really very sorry agar main thoda sa aise excited, over excited aap logon ko dikh raha hu, kyunki bhai wo kehte hai na aap agar kisi Arjun ko sikhao to Arjun आपको तब प्राउड करेंगे जब अर्जुन अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात समझ में आया? और यहां पे हमें परफॉर्मेंस दिख रहा है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया, अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, कुछ से हुआ उनका नहीं हुआ, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मेरा एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट जिसने RJS का इंटरव्यू दिया था वो कहीं से भी कम है। हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू आयुषी and still a very much congratulation to all my students who appeared in the RJS interview, but due to some reason agar nahi ho paya koi baat nahi, ek message aaya students ki taraf se ki sir bas satisfied nahi hai, koi baat nahi, this is not the end, bhai sahab aakhri tak ladenge aur judge ban ke rahenge. So once again heartiest congratulations to very very own Ayushi Goyal and hearty, a very great salute to every one of my student, and as a matter of fact every student who appeared in the interview round of RJS. Bhai sahab, RJS ki vacancies, obviously vacancies announce ho chuki hain, jaldi hi hum examination expect kar rahe hain November December ke aas paas. To bhai sahab is bar RJS ko tagdi rank se crack karenge phir se dobara. So once again, heartiest congratulations and you guys are an inspiration. चलो फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। आई एम वेरी श्योर आयुषी वुड बी वॉचिंग दिस लाइव आफ्टर दिस लाइव एंड्स, क्योंकि अभी तो मैम का इंटरव्यू हो रहा होगा, बट देन अगेन लेट स्टार्ट। चलो, सो सारथी बैच शुरू हो गया है। सारथी बैच की ही ये डेमो क्लास है जिसमें हम लोग इंडियन पीनल कोड देखने वाले हैं। साथ साथ में सारथी बैच इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। ये सारी चीजें, ठीक है, आई एम सीरियसली रियली वेरी इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं और उसका फल हमें दिखता है, हमें मिलता है हमारी स्टूडेंट्स की सक्सेस में, उससे ज्यादा खुशी और किसी भी चीज में नहीं हो सकती, किसी भी चीज में नहीं हो सकती। तो
बस यही बात है। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि सारथी 3.0 बैच जो रहेगा उसके लिए मैं स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या लेके आया हूं। सो पीडीएफ नोट्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत इन लोगों की, मैं कह सकता हूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की मेरे से एक दरख्वास्त थी, एक रिक्वेस्ट थी, कभी कभी शिकायत थी कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, तो यहाँ नोट्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। साथ साथ एग्जॉस्टिव नोट मेकिंग विद डिक्टेशंस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज टारगेटिंग ऑल द स्टेट्स लाइक यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड जितने भी स्टेट्स नॉर्दर्न एरियाज में आते इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। चलिए सो शुरू करने से पहले ये भी बता दें कि अनअकैडमी का लाइव फीचर आ गया है। लाइव फीचर अगर आप चाहो तो उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। ये पूरी तरीके से टेस्ट बेस्ड एक ऑफरिंग है अनअकैडमी की तरफ से, सो यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द सेम एंड द प्राइजेस आर ओवर हियर। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10, ये योर्स फ्रेंडली नेबरहुड का है, दिस इज माई कोड, सो यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट दैट 20% डिस्काउंट। ये थोड़ी पुरानी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, ये होगा 29th से 31st of August तक। तो इफ यू विश टू ज्वाइन द सारथी बैच, इफ यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर यू फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, भाई साहब अब तो रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, तो अगर यू वॉन्ट मी टू प्रिपेयर यू फॉर द सेम, डेफिनेटली गो फॉर इट, एनरोल अकॉर्डिंगली, यूज द कोड, जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट दैट 20% डिस्काउंट। अब आगे चलते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंडियन पीनल कोड, ठीक है। चलिए, अरे बहुत सही आरोही, बहुत ही बढ़िया, फेयर इनफ, यस दिव्या, डेफिनेटली आयुषी से मेरी बात हो गई है, आयुषी मोस्ट प्रोबेबली वुड बी सेंडिंग अ शॉर्ट वीडियो टुडे एंड वील हैव इंटरव्यू एज सून एज पॉसिबल, तो जितनी जल्दी होगा इंटरव्यू लिया जाएगा एंड सी विल बी शेयरिंग ऑल हर स्ट्रैटेजीज एंड ऑल हर टैक्स, क्योंकि टाइम एंड अगेन बहुत टाइम से, जब से मैंने थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक गैप लिया पढ़ाने से, उन्हें नहीं पढ़ाया, बट उस टाइम पे भी शी वॉज रेगुलरली इन कॉन्टैक्ट विद मी, वी वर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस होके आज रिजल्ट फाइनली आ चुका है। सो सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजीज, मेंटरिंग एंड शियर डेडिकेशन, दैट्स वॉट द रिजल्ट इज अबाउट। सो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन पीनल कोड की, जिसके बारे में ये क्लास है। देखिए जरा, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपीसी इज समथिंग दैट यू ऑब्वियसली आर अवेयर अबाउट, काफी हद तक इन चीजों के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। नाउ हैव अ लुक एट इट। फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन इसलिए बता दी जाती है ताकि आपको एक एक्ट की एक स्ट्रक्चरल आइडिया हो कि यार भाई किस बारे में ये एक्ट है। तो इनएक्टमेंट डेट इसकी आती है 6th of October 1860 की, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा। 1st of January 1862 को लागू किया गया था हमारे इंडियन पीनल कोड को, काफी पुराना है और मोटा भाई के हिसाब से अब इसको बदले जाने की जरूरत हो गई है, क्योंकि कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आप देखते हैं कि पार्टली डिक्रिमिनलाइज किए गए हैं, कुछ फुली डिक्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं। यहां पे मैं 309 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, यहां फिर मैं बात करने वाला हूं 303 के बारे में, 377 पे अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो पार्टली चीजें इधर उधर चल रही हैं एंड फॉर दैट रीजन यहां पे इस एक्ट को चेंज करने के अब चांसेस हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम डेडिकेटेड है, एक्ट अभी तुरंत चेंज नहीं हो रहा है, कोड अभी चेंज नहीं हो रहा है, जब चेंज होगा तब देख लेंगे। फिर आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस पे, तो 511 सेक्शंस हैं, टोटल 23 चैप्टर्स हैं एंड इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन विच वॉज हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को हम कह सकते हैं कि पितामह कहा जाता है इंडियन पीनल कोड का, क्योंकि ही वॉज द हेड हेड ऑफ दैट कमीशन विच एक्चुअली गेव अस द इंडियन पीनल कोड एज वी लुक एट इट टूडे। तो चाहे आप इसकी तारीफ करो, चाहे आप इसको क्रिटिसाइज करो, जो है भाई साहब वो है, ये रूल चलता है, ठीक है। नोट मेकिंग नहीं, ये चीज मैं सारथी में दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं कहूंगा कि अगर आप चाहें तो रनिंग नोट्स यहां पे बना लें। आज जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं वो रनिंग नोट्स का ही पार्ट है, उसमें आपको स्पेसिफिक डिक्टेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन मेक द रनिंग नोट्स फॉर दिस। जो प्रॉपर नोट मेकिंग है, डिक्टेशंस है, वो शुरू होंगी 1st of September से, राइट फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक। चलिए, एंड कल भी हल्की फुल्की नोट मेकिंग रहेगी, तो कल अपन नोट मेकिंग करेंगे एट द सेम टाइम 5:30 to 7 का जो टाइम होगा, बट 7 बजे तक नहीं जाएंगे, मोस्टली 1 घंटे का ही होगा डेमो सेशन, फेयर इनफ। उसके बाद आते हैं हेड के बाद आते हैं मेंबर्स ऑफ कमीशन, सो लॉर्ड मैक्लियोड, लॉर्ड मिलेट एंड लॉर्ड एंडरसन, दीज वर द 4 मेंबर्स ऑफ दैट कमीशन दैट ड्राफ्टेड द इंडियन पीनल कोड। कहो ये बात याद हो गई है, ये बात चमक गई है, दिमाग में सेट हो गई है, बता दो फटाफट से। हाँ शुभम सर, ये तो याद हो गया सर, अभी तो ये भूलेगा नहीं मेरे को, चंगा हो गया, दिमाग में फिट हो गया, अलादीन हो गया, भाई भाई हो गया, चमका हो गया, बता दो फटाफट जल्दी, क्विकली। इनएक्टमेंट क्लियर है, एनफोर्समेंट क्लियर है, टोटल सेक्शन टोटल चैप्टर्स ड्राफ्टेड बाय हेड ऑफ मेंबर्स क्लियर है, जल्दी बता दो, चमका
हो गया, याद हो गया, क्लियर हुआ भाई भाई? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चमका, यस प्रोफेसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलिए चमक गया, अब आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इज इट क्राइम और ऑफेंस दैट आईपीसी डील्स विद। भाई एक ये बेसिक फंडामेंटल सवाल है, नोट मेकिंग नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू राउंड्स में जाते हैं तो कई बार जब आपसे पूछा जाता है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली राजस्थान के इंटरव्यू में ही उनसे पूछा गया था कि आप बताएं सर, आप सर नहीं बोला गया था, बट आप बताएं कि व्हाट इज योर इंक्लिनेशन, व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो उन्होंने जवाब दिया कि सर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज क्रिमिनल लॉ। तो उनसे पहला सवाल ही यही पूछा गया कि इज इट क्राइम और इज इट ऑफेंस दैट आईपीसी डील्स विद। यस, ये सवाल पूछा गया है इंटरव्यू में कि भैया क्राइम से डील करता है आईपीसी या ऑफेंस से डील करता है आईपीसी। चमक गया है, बहुत बढ़िया। ठीक, सो आईपीसी ब्रॉडली किस चीज से डील करता है उसको हम लोग आगे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे कि क्राइम और ऑफेंस होता क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया बिटवीन द टू। सो सबसे पहले क्राइम और ऑफेंस के बीच का एक फंडामेंटल डिफरेंस, इसको देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्राइम इज बेसिकली एन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। ठीक है, क्राइम इज बेसिकली एन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, क्रिमिनोस से निकला है, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज अ रॉन्ग, कोई ऐसी चीज जो कि गलती है, कोई ऐसी चीज जो कि एक खराबी है, किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का गलत बिहेवियर, इसको कहते हैं क्राइम। अब जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे जूरिस्ट रहे हैं, बहुत से ऐसे सोशल साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं कि लॉ के जानकार रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, जिन्होंने क्राइम वर्ड को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अलग अलग डेफिनेशंस भी आप लोगों को मिलती हैं क्राइम की, जो कि आप अगर कोई भी ऐसे लिख रहे हो या फिर आप क्राइम और ऑफेंस के बीच का डिफरेंस लिख रहे हो या फिर अपने एलएलएम के एग्जाम में क्रिमिनोलॉजी में एड्रेस कर रहे हैं शब्द क्राइम को, तो उन डेफिनेशंस को आप एड्रेस कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन जब हम क्राइम को पढ़ना शुरू करते हैं तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑफ द वर्ड क्राइम विच इज नो वेयर डिफाइंड, एंड दैट इज इट इज एनी एक्ट और बिहेवियर दैट हार्म्स अदर्स एंड सोसाइटी इन जनरल इज अ क्राइम। Now, you know where in this definition or in this general meaning, see the word legislation. आपको कभी भी क्राइम के साथ legislation word नहीं मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा कि भैया क्राइम इज एन एक्ट और अ बिहेवियर विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और इट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, और इट इज समथिंग विच इज डिस्कार्डेड बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ। लेकिन लेजिस्लेशन वर्ड, स्टैट्यूट वर्ड कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, यू नेवर सी द वर्ड स्टैट्यूट रिलेटिंग टू द वर्ड क्राइम। अब देखिए, ऑफेंस जो है उसको आईपीसी में डिफाइन किया गया है और सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा आईपीसी में कहां पे डिफाइंड है? व्हेन, वेयर डू यू सी इन आईपीसी, वेयर डू यू सी द टर्म ऑफेंस, बताओ जरा। लेट मी जस्ट सी, वेरी गुड रिद्धि, एब्सोल्यूटली करेक्ट, यस अमोघ, शाबाश, बहुत बढ़िया मानिक, बहुत बढ़िया। नो लीगल वर्ल्ड, करेक्ट। राजनंदिनी, पारू, करेक्ट करेक्ट। प्रेमलता, आरोही, प्रेमलता थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हरिवंश, आरोही, यस। प्रिया, मोटिवेशन, पुलकित, ऋतु, काजल, राधिका, सविता, मिताली, रवि, निखिल, काजल, अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया। ठीक, सो द टर्म इज सेक्शन नंबर 40 ऑफ इंडियन पीनल कोड। भैया ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है। सीआरपीसी में कहां मिलता है? हाँ जी, देखो ये होती है स्मार्ट जनता, पहले आंसर दीजिए। तबीर फातिमा ने बता दिया कि 2N में दिया हुआ है सीआरपीसी में। ठीक है, 2N में सीआरपीसी में डेफिनेशन दी हुई है ऑफेंस की, एंड सिमिलर डेफिनेशन आपको सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी मिलती है। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम लोग किसी एक्ट को एक अमली जामा, लीगल अमली जामा पहनाते हैं, यानी एक स्टैट्यूट क्रिएट कर देते हैं, तो वो स्टैट्यूट जैसे ही बना वो क्या कहलाया? वंस इट बिकम्स द स्टैट्यूट, इट बिकम्स अ बेसिक लेजिस्लेशन। ठीक, इट बिकम्स अ लेजिस्लेशन, और हम तब एक ऑफेंस को क्या कहते हैं? तब हम उस एक ऑफेंस को एक कैटेगराइजेशन देते हैं, उस क्राइम को हम एक कैटेगराइजेशन देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफेंस। So, क्राइम्स जो हैं वो एक वाइडर टर्म है। क्राइम का होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शब्द है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं तो जरा देखो, व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, ठीक है, व्हेन यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, तो भाई क्राइम की जो डेफिनेशन है इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल कि इट इज अ एक्ट,
इट इज एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल इन इट्स नेचर. ठीक, अब जरा ध्यान से समझो ये वर्कआउट कैसे करता है. देखिए ये वाला जो एरिया है इसको आप कह सकते हैं क्राइम. सो द मेजर सेट इज क्राइम. उन्हीं में से कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि लेजिस्लेट कर दिए गए हैं या फिर जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में आ गए हैं उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं ऑफेंस. ठीक, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म ऑफेंस एंड क्राइम. ठीक, सो जब आप इस एरिया में फॉल करोगे तब आप ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाओगे. चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं. हम लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ा है अंडर आईपीसी, वेरी फेमस, निर्भया एक्ट से आया था 2013 में. ठीक, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, 354A. आप मुझे यह बताइए 354A जो सेक्शन है सेक्सुअल हरासमेंट, वो उसकी डेफिनेशन शुरू किससे होती है? जरा बेर एक्ट पलटिए, आईपीसी आपके पास होगा ना, बेर एक्ट को पलट के बताओ कि सेक्शन 354A की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है. हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ 354A स्टार्ट्स, कैसे शुरू होती है बताएं जरा. हाँ जी, 354A, क्राइम इज ब्रॉडर, एब्सोल्यूटली पुलकित, क्राइम इज ब्रॉडर देन, बट ऑफेंस इज ऑब्वियसली अ नैरोअर टर्म. ठीक, पेज पलटने लग रहे हो? देखो भाई, पेज पलटोगे क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि 354A स्टार्ट्स विद और एनी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ, यस वेरी गुड. ठीक है, बस 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 बस, ठीक है, दोनों को अपराध कहते हैं. किंतु जब हम हिंदी की बात करते हैं दिव्या, तो हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में हम, ये ऐसे मामले होते हैं जो दांडिक अपराध होते हैं. ठीक है, ये ऐसे मामले हैं जो कि दांडिक अपराध कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि दांडिक अपराध होने का मतलब ये है ऐसे मामले जो कि ना सिर्फ क्राइम है अपितु ऑफेंस की भी कैटेगरी में आ रहे हैं. ठीक है, ठीक, यस. अब जरा समझो, When you look at section number 354A, भाई साहब, starting में क्या दिया है? Any man. अब चलो मैं तुम लोगों के जमीर से पूछता हूं, मुझे बताओ, फटाफट से बताओ, क्या किसी man के against, ये तो definition बोलती है that any man is committing so and so act against a woman is sexual harassment, that is an act. क्या किसी man के साथ sexual harassment हो सकता है? मतलब in general, जो चीजें sexual harassment की category में रखी गई हैं, क्या वो किसी man के साथ भी हो सकती है? And is it a wrongful act or not? बताओ जरा, हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? अरे भैया सीधा सवाल है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. सीधा सा हिसाब है, किसी भी मैन को, किसी भी मैन से सेक्सुअली सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा सकते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बोले जा सकते हैं उनको. ठीक है, उनकी मर्जी के बगैर उन्हें पोर्नोग्राफिक सब्सटेंस दिखाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. बट द क्वेश्चन इज, Is it a wrong? मतलब क्या ये गलत है अगर ऐसा किया जाए किसी पुरुष के साथ, अगर ऐसा किया जाए तो ये गलत है? Absolutely, your answer would be yes. हाँ सर, गलत तो है. It is an act or a behavior which is affecting the society at large. Yes, but the question is it an offense? Offense है क्या? जी अमोग, वेरी गुड, बुल्स आई, यस, दैट्स द पॉइंट. क्या कि भैया क्राइम तो बोल लोगे उसको कि भैया मेरे साथ क्राइम हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ऑफेंस कहां है, धारा कहां है, सेक्शन कहां है, प्रोविजन कहां है? दिस इज द डिफरेंस, दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज. ये है कॉन्सेप्ट आप लोगों का. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट. आई होप अब एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा. भैया स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग पीछा करना, सिंपल, 354D. अब 354D अगर देखो तो शुरू होता है एनी मैन से. क्यों? मर्दों का पीछा नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है साहब, लेकिन स्टॉकिंग की कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं किया गया, तो ऑफेंस नहीं है. क्राइम बोल सकते हो, रॉन्ग है, सोसाइटी को एड्रेस करता है, लेकिन वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता. तो बेसिकली ऑफेंसेस वो एक्ट्स हैं जो कि क्राइम तो हैं, लेकिन उनको लेजिस्लेचर का भी सपोर्ट मिला हुआ है. लेजिस्लेचर का सपोर्ट मिलने का मतलब होता है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर कोई क्राइम हो रहा है, इन जनरल अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो वो क्राइम, ध्यान से सुनना, वो क्राइम हर बार पनिशेबल हो ये जरूरी नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्राइम है जिसको लेजिस्लेचर का क्योंकि सहारा मिला हुआ है, इसीलिए वो एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है.
इट हैज गॉट द रिकॉग्निशन. ठीक है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, क्या कर सकते हो, देयर इज नो रेमेडी टू इट. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा. पीछा क्यों किया जा रहा था 377, यू विल हैव टू एड्रेस इट समवेयर. एक चलो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, एसिड अटैक कहां पे दिया हुआ है, कभी सोचा एसिड अटैक कहां दिया है, वेयर इज द टर्म एसिड अटैक डिफाइंड, तभी तो समझ में आएगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. एसिड अटैक इंडियन पीनल कोड में कहां मिलता है, ये तो ऐसी चीज है कि ये तो हर मतलब किसी जेंडर न्यूट्रल है, किसी भी व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हो सकती है ना. 326A, 326B, A में डायरेक्ट पनिशमेंट, बी में अटेम्प्ट की पनिशमेंट. यस, अब देखो जरा इसको, 326 A, 326B को देखो, बाई रूल इज सिंपल, 326 A डायरेक्ट पनिशमेंट, 326B प्रिपरेशन. अब समझना जरा, ये तो 2013 में आए, ये तो 2013 में आया, लेकिन 2013 से पहले भी तो एसिड अटैक होते थे. यस, 2013 से पहले भी है कि नहीं, 2013 से पहले भी तो एसिड अटैक होते थे, तो उनको कहां कंसिडर किया जाता था, आपको पता है? कैन समबडी टेल मी, 2013 में तो उसको एक अमली जामा पहनाया गया, लेजिस्लेशन कर दिया गया, 2013 के पहले एसिड अटैक्स कहां आते थे, बताओ जरा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा. 320 में आएंगे, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, पावर ऑफ मोटिवेशन, यस, शाबाश, करेक्ट है मानिक, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, परफेक्ट परफेक्ट. एसिड अटैक आता था ग्रीवस हर्ट में, तो ऑफेंस तो है, आई मीन क्राइम तो है, लेकिन ऑफेंस नहीं है. आप उसको कहीं पे लेजिस्लेशन के पास घुमा नहीं सकते, लेजिस्लेशन है ही नहीं, कोई एक्ट ही नहीं है. क्या करोगे भाई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो 2000 के पास आया ना, उसके पहले डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता था क्या? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो एक टाइम पे आया 1986 के आसपास, उसके पहले डाउरी नहीं मांगी जाती थी क्या, या डाउरी गलत नहीं थी क्या, पहले भी थी, लेकिन उसको एक जामा कहां पहनाया गया, उस एक्ट के द्वारा. एनडीपीएस बेस्ट एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने तुम लोगों के दिमाग में पिछले चार क्लासेस में लीगल एक्यूमेन भर रखा है, ताकि तुम्हारा दिमाग फट से पकड़े कि यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं लोग या समझाना क्या चाह रहे हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो पहले ये चीज आती थी किस कैटेगरी में, 326B A आता था ग्रीवस हर्ट की कैटेगरी में, और भी जो दूसरे क्राइम्स थे उन्हें कहीं ना कहीं आईपीसी में फिट किया जाता था, बट क्योंकि आईपीसी में पूरे के पूरे फिट ही नहीं हो रहे थे, लेकिन क्राइम की डेफिनेशन में आते थे, इसीलिए उनके लिए अलग अलग सेपरेट एक्ट्स बना दिए गए. अभी भी कुछ एक्ट्स हैं, 354A को आप उठा करके देखो, उसमें मेल्स के लिए कुछ नहीं है, ठीक, बी को ले लो, सी को ले लो, डी को ले लो, मेल्स के लिए कुछ है ही नहीं है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ मेल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन अगर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इधर उधर फिट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि क्राइम तो है बट ऑफेंस नहीं है. ये है रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म क्राइम एंड ऑफेंस. आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा. ये तो एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हुआ. अब जरा इसकी डेफिनेशन को भी पकड़ो भाई. डेफिनेशन क्या बोलती है? क्राइम इज अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स और कमांड्स अंडर द पेन ऑफ पनिशमेंट टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट बाय अ प्रोसीडिंग इन इट्स ओन नेम. अब ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन किसकी है भाई? मिलर अंकल की है. ये एक इंग्लिश डेफिनेशन है, इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन है. मतलब इंग्लिश लॉ में आप ऑफेंस क्राइम ये बाइफर्केशन नहीं देखते, वहां पे एक ही शब्द यूज होता है क्राइम. तो इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से आप देखें तो आपको मिलता है क्राइम इज कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स और कमांड्स, देखिएगा, और कमांड्स अंडर पेन ऑफ अ पनिशमेंट टू बी इंपोज बाय द स्टेट बाय अ प्रोसीडिंग इन इट्स ओन नेम. तो ये कॉन्सेप्ट आया इंग्लिश लॉ से, वहां पे क्राइम वर्ड यूज कर रहे हैं, अपन ऑफेंस नहीं चला रहे हैं. जैसे यहां प्रपोजल है, वहां ऑफर है. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही आपकी रिलेटिविटी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, क्राइम इज नॉट पनिशेबल बट ऑफेंस पनिशेबल, यू मीन टू से सर? देखिए, वो क्राइम जिनको एक लेजिस्लेशन मिला हुआ है, बैकिंग मिली हुई है, यानी कि ये क्राइम रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज एन ऑफेंस अंडर अ सर्टेन कोड और अ सर्टेन एक्ट,
वही क्राइम पनिशेबल होते हैं। अदरवाइज क्राइम की जनरल डेफिनेशन तो हर चीज को इंक्लूड करती है, लेकिन हर चीज या हर एक रॉन्गफुल एक्ट ऑफेंस बने ना बने ये जरूरी नहीं है। मैंने दोनों के बाइफर्केशंस बता दिए। अब इंग्लिश डेफिनेशन तो ये हो गई, ऑफेंस देख लो, ऑफेंसेस आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर, अब ध्यान से देखो, बेंथम साहब ने सही बोला था, ठीक, ऑफेंसेस आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड बिहेवियर और फॉर बैड रीजंस, ठीक, ये एक डेफिनेशन है कि ऑफेंसेस क्या है। ये आप लोग चाहें तो डेफिनेशंस को उतार लें, ये आपके काम आने वाली है, ठीक। सो ऑफेंसेस आर व्हाटएवर द लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड फॉर गुड बिहेवियर और फॉर बैड रीजंस। तो जब आप बोलते हैं दैट ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम्स बट ऑल क्राइम्स आर नॉट ऑफेंसेस, तो ये बात सही होती है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम बट ऑल क्राइम्स आर नॉट ऑफेंसेस, भैया हर एक एक्ट जो कि रॉन्ग है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑफेंस मतलब एक्ट होना चाहिए, स्टैट्यूट होना चाहिए। आगे देखो, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड आईपीसी। लियो भैया, आईपीसी के सेक्शन 40 में लिख दिया, बहुत ही नैरो डेफिनेशन दी गई है, नैरो डेफिनेशन है, और ये कहलाती है आपकी वाइड डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, इट सेज द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। सेक्शन 40 ने बता दिया कि भैया इस कोड ने जिस एक्ट को पनिशेबल माना है, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे अबडक्शन हो, चाहे रॉबरी हो, चाहे डिकॉइटी हो, चाहे ब्राइबरी हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, अगर एक्ट इस पर्टिकुलर कोड में क्या है, ऑफेंस है, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। ये नैरो डेफिनेशन है, इसके आगे लिख लो, इट इज अ नैरो डेफिनेशन। ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस आपको कहां देखने को मिलता है, ओवर हियर, ठीक। देखिए, ऑफेंसेस मीन any act or omission made punishable by any law for the time being in force, theek, so offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force, matlab abhi jo bhi laws hain, any act any law, not just ipc, any act any law, jahan pe bhi koi act punishable kiya gaya hai usko hum kya bulayenge bhai sahab, usko hum bulayenge ऑफेंस, ठीक। हाँ, यहां पे मानिक ने पूछा, अच्छा मानिक ने बताया क्राइम की डेफिनेशन बनाई, करेक्ट है। निकी बोल रही है कि सर अगर पर्सन किसी भूखे को खाना नहीं देता है और वो मर जाता है तो वो क्राइम है, और अगर कोई जेलर नहीं देता प्रिजनर को तो वो क्राइम है, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। आप भूखे को खाना ना दो, ठीक, अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना ना दोगे तो वो मॉरली इनकरेक्ट रॉन्ग माना जाता है, ठीक। ऐसा करने से, ध्यान से सुनना बच्चे, ऐसा करने से ना तो आपको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, ना ही ऐसा ना करने पे लॉ आपको पनिश कर रहा है। तो प्रोहिबिशन अगर नहीं है तो उसको हम पूरी तरीके से क्राइम नहीं बोल सकते। मॉरल इनकरेक्ट है, मॉरली आप रॉन्ग हो, लेकिन क्राइम नहीं बोलोगे, ठीक। यू कैन नॉट, मतलब आपने किसी भूखे व्यक्ति को खाना नहीं दिया वो मर गया, क्राइम नहीं है, मॉरल रॉन्ग है, ठीक। ऐसा एक्ट जो कि सोसाइटी भी रॉन्ग मान रही है, स्टेट भी मना कर रहा है, लेजिस्लेशन भी बना हुआ है, ऐसा क्राइम ऑफेंस बन जाएगा। ये रिलेटिविटी हमेशा देखना, मॉरल रॉन्ग और क्राइम के बीच में डिफरेंस यही होता है, ठीक। अब देखो, ऑफेंसेस मींस, यहां पे अपन ने समझ लिया। अब मेरे को फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, समझ गए, मेरे को फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्राइम और ऑफेंस के बीच का जो पिक्चर है वो क्लियर हुई पूरी, समझ में आई, चमका। हाँ, अगर कोई अपने बच्चे को नहीं दे देगा, एब्सोल्युटली करेक्ट निक्की, तब वो बन जाएगा भाई साहब ऑफेंस की कैटेगरी में, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ओमिशन कर दोगे तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल बना देगा, बिल्कुल मानेंगे। समझ में आया, चमका, क्लियर हुआ, भाई भाई हुआ, अलादीन हुआ, फटाफट से बता दो, थक गए मियां, भाई भाई आए तगड़े। अभी कोई बहुत प्यारा बच्चा मेरे को बोल देगा कि सर ऐसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, आगे चल के घुटनों में दिक्कत हो जाती है, तो आपको आज ही अभी इसी वक्त दिल से धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि आई मीन इट, मतलब जेन्यून सार्केज्म वाला नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा सजेशन है, बट मैं ऐसा कभी कभी करता हूँ, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ क्राइम, कीप अ नोट मेकिंग ऑफ दिस, इसका नोट आपको रखना है। स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में बात करते हैं, ठीक। स्टेजेस ऑफ क्राइम वेरी सिंपल आप लोगों के सामने है, मेंस रिया, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, आपने देखा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम है रंजीत चिंग, ठीक है,
There is a person by the name of the by the name Ranjit Singh. उसको आपने देखा, ध्यान से समझना, उसको आपने देखा वो अपनी वाइफ का ऐसे घाघरा पहन के, ठीक है, लहंगा महंगा डाल के रोड पे चल के जा रहा है. आपके मन में आया कि इसको दो थप्पड़ मार के मैं भग जाता हूँ, ठीक है, दो थप्पड़ बस पीछे से ऐसे पट से टपली मारूंगा और फट से भग जाऊंगा, ठीक है. ये घाघरा पहना हुआ है, बढ़िया, एकदम लहंगा पहना, दौड़ेगा कैसे, ठीक. तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो रणवीर सॉरी वो गलती से थोड़ा इधर उधर निकल गया, ये जो रणजीत सिंह है इसको मैं टपली मार के भगूंगा, ठीक. लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आपने ऐसा किया नहीं. वो बेचारा ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे तो चल रहा है, उसमें तुम मार दोगे उसको, अखा अंडरवर्ल्ड में उसके नाम की हो जाएगी थूथू. तो तुमने कहा नहीं यार, इसको मारता नहीं हूं, छोड़ देता हूं, माफ कर दे. दिस वॉज स्टिल अ मेंस रिया, इट वॉज स्टिल अ मेंस रिया. मैलाफाइड इंटेंशन कभी भी आपके दिमाग में आ सकता है ना भाई. मैलाफाइड इंटेंशन तो कभी भी दिमाग में आ सकता है. क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, तू बाहर मिल, है, होता है. अरे भैया चलो, ये मत बोलना कि नहीं सर, हम तो एकदम टीचर के पालतू हुआ करते थे, पैर वैर एकदम गोड़ धो के पीते थे, ये सब मत करना, ठीक. आता है दिमाग में जब टीचर डांटता है ना, जब ऐसे ईगो पे लगती है कि ऐसा कैसे बोल दिया इसने, हैं टकलू, ऐसी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी, ये जब आता है ना आपके दिमाग में थॉट, तब वो मेंजरिया कहलाता है बेटा. दैट इज नोन एज मेंजरिया, अ गिल्टी माइंड, अ मैलाफाइड इंटेंशन विच यू होल्ड टुवर्ड्स द अदर पर्सन. अगर किसी व्यक्ति को क्षतिकारक करने के लिए या हानिकारक करने के लिए आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का ऐसा एक, हम कह सकते हैं कि थॉट उत्पन्न हुआ है, विचार उत्पन्न हुआ है, तो वह कहलाता है मेंजरिया. दैट इज नोन एज मैलाफाइड इंटेंशन. हाँ, लोग लिख रहे हैं कि सर आता तो है, ठीक. बट मेंस रिया के साथ एक रूल है, एक बहुत सिंपल सा रूल चलता है मेंस रिया के साथ, दैट मेंस रिया इज नेवर पनिशेबल. मेंस रिया इज नेवर पनिशेबल, ठीक, इट इज नेवर पनिशेबल. तो भाई साहब जितने भगवान के बंदे होते हैं ना, जो एकदम भगवान की ईश्वर की एकदम तपस्या में लीन होते हैं, उनको आप हटा दो, उनके अलावा अगर मेंस रिया पनिशेबल होता तो सब लोग जेल में होते. बहुत ईमानदारी की बात है भाई साहब, ठीक, क्योंकि इंटेंशन है. इंटेंशन तो कभी भी किसी भी, और उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेंस रिया इज नॉट आइडेंटिफाइबल. अगर आप और किसी भी स्टेज ऑफ क्राइम को उठा करके देख लोगे तो सारे के सारे स्टेजेस आइडेंटिफाइबल है. आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अरे भैया ये रैट पॉइजन का तुम क्या करोगे, ये रस्सी काहे को लेकर के आए हो, हैं, ये चाकू की धार तुम काहे को तेज कर रहे हो, ठीक है, तुमने अभी अभी पान क्यों थूका उसके ऊपर, ये सारी चीजें, ठीक, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली प्रिपरेशन शो करती हैं. तो प्रिपरेशन आइडेंटिफाइबल होती है, हालांकि प्रिपरेशन से भी हर बार आप प्रिपरेशन को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये ऑफेंस होगा या नहीं होगा. इसीलिए प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं किया जाता, इट इज नॉट मेड प्राइमा फेसी पनिशेबल, ठीक. बट रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर मेंस रिया है तो इट विल नेवर बी पनिशेबल, प्रिपरेशन है तो इन जनरल इट इज आइडेंटिफाइबल बट नॉट पनिशेबल. लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू इट, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है. फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस है. देखो मानिक ने तो हिंट क्या, पूरा का पूरा आंसर ही दे दिया, ठीक है, बताएं जरा कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे प्रिपरेशन अगर कर लो तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल मानी गई है. वैसे तो इन जनरल मेंस रिया नेवर पनिशेबल, ठीक, नेवर पनिशेबल, प्रिपरेशन नेवर पनिशेबल, बट देर आर सर्टन टचपुच एक्सेप्शंस. व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? यस, प्रिपरेशन टू कमिट और वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर वन, वेरी गुड. सेडिशन की प्रिपरेशन का नहीं होता चचा. डेकॉइटी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, भैया कॉन्स्पिरेसी इज अ डिफरेंट थिंग, कॉन्स्पिरेसी इज अ डिफरेंट थिंग, 120 ए और बी में मत जाओ. हाँ जी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमिटिंग, प्रिपरेशन टू कमिट, प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी हो गया, और साथ साथ में प्रिपरेशन टू काउंटर फीड द कॉइन्स. जी, प्रिपरेशन टू काउंटर फीड द करेंसी, कॉइन्स होते हैं ना अपने सिक्के, अगर उसको आपने जाली सिक्के छापने के लिए आपने सोचा कि चलो भैया अब तो सरकार है, सरकार को क्या लेना देना कि वो करेंसी देखे ना देखे, हम अपने घर में ही सिक्कों की एक मिंट डाल लेते, ठीक,
मिंट मतलब पुदीने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, साउथ दिल्ली पीपल थोड़ा सा है ना हिंदी और इंग्लिश का ऐसा भाव समझो, लॉ है यहाँ पे, ठीक। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिंटिंग, तो अगर कोई व्यक्ति है प्रिपरेशन करता है, प्लेट्स ले आता है, टूल्स ले आता है जिससे वो नकली करेंसी छाप सकता है, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी, ठीक है, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्रिपरेशन विच इज पनिशेबल इन नेचर। सो प्राइमरली तीन ऐसी प्रिपरेशन होती हैं, वैसे और भी हैं, बट तीन ऐसी प्रिपरेशन होती हैं, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर टू अ प्रिपरेशन विच इज डन इन ऑर्डर टू कमिट अ डिकॉइटी, एंड प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू काउंटरफीट द कॉइन्स, रूल इज दैट, ठीक है, यस, ये प्रिपरेशन हो गया। अब सवाल ये आता है क्या अटेम्प्ट पनिशेबल होता है? अंकल जरा बताएं मुझे क्या अटेम्प्ट पनिशेबल होता है या नहीं होता है? सिंपल क्वेश्चन, अटेम्प्ट पनिशेबल होता है या नहीं होता है? दैट्स इट, बता दें जरा, इज अटेम्प्ट पनिशेबल और नॉट? एक्टस रियस है, अटेम्प्ट है, ठीक, हाँ जी, और बढ़िया, मानिक सही है यार, मानिक इज लाइक मैं एग्जाम्पल रख के बैठूंगा, सर आप तो पूछो, पट से आंसर आएगा, बहुत बढ़िया मानिक, शाबाश, ठीक, यस। अब जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, हटो जरा रणवीर, हटो यार सामने से हटो, ठीक, क्यों लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, शाबाश। अब जरा देखो, मेंस रिया यहां पे आता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसि मेंसिट रिया, एन एक्ट डन विदाउट अ गिल्टी माइंड इज नॉट अ रॉन्गफुल एक्ट, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसि मेंसिट रिया, सिंपल रूल भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, चलते चलो, यस। सो भाई एक्टस नॉन फेसिट रियम निसि मेंसिट रिया, अगर कोई ऐसा एक्ट होगा जिसमें मेंस रिया होगा तो फिर वो पनिशेबल नेचर का होगा, यानी फिर वो रॉन्ग माना जाएगा। इफ देयर इज एन एक्ट विच इज ऑल्दो एन एक्ट बट इट हैज नो मेंस रिया, तो फिर वो रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए, ठीक है, उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए, ठीक है, अब क्या हुआ, वो उसने अपनी गाड़ी क्या की, खेतों में उतार दी कि भैया ब्रेक तो लगी नहीं रहे, कहीं से रुक के ठुक के रुक जाए बस गाड़ी, ठीक है। खेत में एक व्यक्ति सुबह सुबह जंगल जलेबी बना रहा था, ठीक है, क्या किया उसने, कुछ नहीं, उसकी गाड़ी, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चला रहा था, 5:30 बजे के आसपास उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, उसने गाड़ी खेतों में उतार ली कि चलो यहां पे लेके जाते हैं, आई होप मोदी जी ये क्लास नहीं देख रहे हैं, और उन्होंने उतार ली गाड़ी, अब खेतों में लोटा पार्टी चल रही थी भाई, जंगल जलेबियां हो सब रहा था, वही सब, इन्होंने गाड़ी उतार ली, गाड़ी भैया भेड़ दिए किसी में, कोई व्यक्ति लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था थोड़ी, ठीक, उसी में गाड़ी ऐसे उड़ा दिया उसको, समझो जरा, यहां ब्रेक फेल हुआ है, एक्ट है, उड़ाए तो हो, बट मेंस रिया नहीं है, द बेसिक इंग्रेडिएंट इज मिसिंग, मेंस रिया इज मिसिंग। भाई हम किसी को मारना थोड़ी चाहते थे, ठीक है, हम नहीं चाह रहे थे कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोट पहुंचे, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, ठीक, दैट इज द पॉइंट, यस। इज मेंस रिया अप्लाइड इन आईपीसी? संचिता, जहां जहां ऑफेंस देखोगे ना, जहां जहां आप एक रॉन्गफुल एक्ट देखोगे, वहां वहां मेंस रिया आएगा। बिना मेंस रिया के अगर सिर्फ एक्टस रियस होता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट। सो एनी अटेम्प्ट और एनी एक्ट विच हैज मेंस रिया इन इट इज अ पनिशेबल एक्ट, अदरवाइज नॉट, ठीक, दैट इज द पॉइंट। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में भले आपका मेंस रिया ना हो, ध्यान से सुनना, कई लोगों को ये डाउट आता है कि सर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में क्या होगा, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में भले से मेंस रिया ना हो लेकिन इट इज अ रैश एक्ट, इट इज अ नेग्लिजेंट एक्ट, नॉलेज का एक फैक्टर आ जाता है। तो जब नॉलेज एक फैक्टर है, भले आप, अब आप एक बात सोचो, चलो मैं आपको एक कॉमन सेंस की चीज बताता हूं, मान लो कि आप भीड़ के सामने खड़े हुए हो और आपके पास मशीन गन है, ठीक है, आपके पास मशीन गन है, आपने ऐसे किसी पर रैंडमली निशाना नहीं लगाया, आपने, आपका निशाना यह था कि मैं किसी व्यक्ति को मारना चाहता हूं, ऐसा नहीं था, आपका बस इंटेंशन था कि मुझे गोली चलानी है, ठीक, मारने का इंटेंशन नहीं है किसी को, बस गोली चलानी है। अब एक बात बताओ, तुम गोली धधधधधधधध चला दोगे 50 लोगों की भीड़ पे, 100 लोगों की भीड़ पे, एक ना एक मर सकता है, कैन पीपल डाई, यस और नो, सिंपल सवाल,
कैन पीपल डाई और नॉट? रवि पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन. पगली, मोटिव का मतलब होता है कि कल टीचर ने मुझे चांटा मारा, ठीक है, टीचर ने मुझे चांटा मारा, मेरे पापा को स्कूल बुला करके उनके हाथ पे यहां पे लिख दिया तुम्हारा बेटा होमवर्क नहीं करके आता, ठीक, तो मेरे ईगो पे आ गई, मैंने डिसाइड किया कि टीचर को सबक सिखाना है, मोटिव. अगले दिन उसके सीट पे जाकर के नीचे से ऐसे डिवाइडर लगा दिया बस. इंटेंशन ये था कि उसको चोट पहुंचाऊंगा ताकि मेरा मोटिव उसको सबक सिखाने का फुलफिल हो जाए. खेल खत्म. चलो अब बात करते हैं, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, फेयर इनफ, ये चीज है. ओके, नॉलेज जहां पे आई ऑफेंस हो जाएगा, ठीक. सो ये रूल है. सो अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल, ऑलवेज मेड पनिशेबल, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक. इस पे हल्की फुल्की नोट मेकिंग मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी. अटेम्प्ट पे क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है एमपीसीजे में, तो इसकी मैं नोट मेकिंग आपको अलग से करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. फिर आ जाता है कमीशन. कमीशन मतलब एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल आउटकम. अब कई बार ऐसा होता है कि ऑफेंस कोशिश तो की लेकिन सामने वाला जो है वो बच गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैंने यहां से गोली मारी, अब मैंने इसको गोली मारी तो ये डक कर गया, मतलब मैंने गोली मारी और ये उसी टाइम अपने शू लेस बांधने के लिए झुक गया, तो ये जो हुआ है इससे ये व्यक्ति बचा, ये जा रहा है और ये डक हो गया, इससे क्या हुआ, द बॉय द पर्सन गॉट सेव्ड. नाउ द पर्सन, सिंस द पर्सन इज सेव्ड नाउ, बट येट आई वॉन्टेड हिम टू डाई, ही डिड नॉट डाई, देर वॉज एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के लिए मैं पनिश कर दिया जाऊंगा. सो अटेम्प्ट टू मर्डर है, लायबल मैं फिर भी होऊंगा, ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट. बेटा डाउट्स मैं अभी आप लोगों के ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट द डाउट्स, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चा, उसके बाद चलते हैं, ठीक. सो अगर आपने अटेम्प्ट किया, ऑफेंस सक्सेसफुल हुआ, तो ऑफेंस के कमीशन के लिए लायबल होते हो. अगर आपने अटेम्प्ट किया, ऑफेंस अनसक्सेसफुल रहा, तो आप सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है. फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टुवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट. नाउ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कुछ स्टेट्स में, सभी राज्यों में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट नहीं पूछा जाता, जहां पे बेयर एक्ट फॉलो होता है वहां पे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन इन सम केसेस यू आर आस्क्ड व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट. सो इन जनरल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द थ्योरीज. नंबर वन इज द डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, नंबर वन इज द डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. अच्छा, डेटरेंट थ्योरी पे जाने से पहले, ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड बताओ ना सर प्लीज, अरमान पूछ रहे हैं. देखो रुक जाओ, अभी सारी चीजें बताऊंगा. अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद से अब पनिशेबल नहीं रह गया है, ठीक. सो ये जो अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला एक क्वेश्चन आता है ना कि सर क्या अटेम्प्ट टू सुसाइड भी पनिशेबल है 309 वाला, नहीं रहता. क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट ये कहता है कि भैया अगर व्यक्ति ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, आप उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो आप उसकी मेंटल स्थिति को समझते हुए उसको सुधारने की कोशिश करो रादर देन उसको जेल भेज के जहां उसकी हालत और बिगड़ सकती है. ये पॉइंट है, दैट इज द रीजन व्हाई 309 इज नॉट ऑपरेटिव एनीमोर. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, डिटरेंट से पहले मुझे ये बताओ अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा क्या वो आप लोग को समझ में आया, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो प्लीज, जल्दी से बताओ अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आ गया, अभी तक क्लियर हुआ, ठीक. हां बताओ, हां बोलो, यस सर बोलो, चमका बोलो, भाई भाई बोलो, फोन पे कर दिया है बोलो, कुछ तो बोलो, अच्छा तो लगे भाई को. हाँ रुद्र, अच्छा यार ज्ञान कौर बहुत पुराना हो गया बेटा, ज्ञान कौर के बाद कॉमन कॉज आ गया, मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया, बहुत बहुत हो गया वो तो, ज्ञान कौर तो बहुत पुराना है. ज्ञान कौर के पहले मारुति श्रीपति दुब्बल था, पी रतीनाम था, ज्ञान कौर था, अपना अरुणा रामचंद्र शानबॉग का केस था, बहुत डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक पे, राइट टू लाइफ राइट टू डाई, बहुत डिस्कशन हुआ है. मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद से अब उसको ऑपरेटिव नहीं किया जाता है, कोर्ट बचाने की कोशिश करती है. मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं संचिता, पहले पूरा चीज कंप्लीट करते हैं, फोन पे कर दिए हैं मिताली, बहुत बढ़िया, ठीक है. क्यों नहीं आएगा समझ में, मानिक बोल रहा है यार ये लड़का सही है, बढ़िया. सो दैट्स द पॉइंट. नाउ कमिंग बैक टू द डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. नाउ डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल सेटिंग थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऐसी कोई चीज जिससे एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए कि भाई व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, ठीक. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी शायद मूवीज वगैरह में देखा हो, थोड़ी पुरानी मूवीज में ऐसा दिखाया जाता था जनरली, जो ऐसे गांव की जो मूवीज होती थी या गांव बेस्ड मूवीज जो होती थी, विलेज बेस्ड मूवीज, उनमें ऐसा दिखाया जाता था कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है उस गांव में, तो उसे गधे पर बिठा करके, ठीक है, उसे गधे पर बिठा करके उसे
उसे जूतों की माला पहना करके घुमाया जाता था पूरे विलेज में. हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन दैट? हाँ, यस, हाँ, चोर के हाथ कटवा देना, ठीक है, यस, समझ में आया? कोई भी कर सकता है रंजीत, बस रिमेंबर JW10 यूज करना है. यस भाई, ये देखा होगा कि गधे, पहले तो व्यक्ति को बिठाया गधे पे, बड़े प्यार से बिठाया, फिर उसको ऐसे एकदम ऐसे लेकर के पहले मुंह उसका काला किया, मुंह काला करने के बाद उसको बढ़िया पहनाई जूतों की माला. ओ हो, ये क्या रीबॉक, नाइकी, एडिडास, ओए हो, मजा आ गया, हश पपीस. उसके बाद उसको पूरे नगर में घुमाया जाता था. ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि ये कई जगह पे होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिटरेंस क्रिएट करना है, डर पैदा करना है. डिटरेंस मतलब डर, कोई ऐसी चीज जिससे कि व्यक्ति के मन में भय पैदा हो, उस एक्ट को करने से वो व्यक्ति खुद को रोके, बचे, उसका कंसाइंस उसके मन में, उसके दिल में एक ऐसा भय बैठ जाए कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आ भी रहा है तो मैं ऐसा थॉट एग्जीक्यूट ना करूं. यह होता है डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, अ थ्योरी दैट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ एनी ऑफ द पोटेंशियल रॉन्ग डूअर्स. जो भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है उसके उस विचार को वहीं पे रोक दे, ऐसी थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेटरेंस या डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. जनरली हम लोग देखते हैं गल्फ नेशंस में यही थ्योरी ऑफ पनिशमेंट फॉलो की जाती है कि कोई व्यक्ति है जिसने अगर मर्डर किया है तो उस व्यक्ति को चौक पे गोली मारी जाती है ताकि सब लोग देख सकें कि भैया देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनह्यूमन. यस, क्योंकि लक्ष्मा देवी वर्सेज अटॉर्नी जनरल का केस है. इंडिया में तो बोला जाता है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन आर समथिंग विच आर अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21. अ पर्सन हैज अ राइट टू एटलीस्ट डाई विद डिग्निटी. तो उस व्यक्ति को आप ऐसे पब्लिकली तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. इंडिया में तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये चीज कुछ जगहों पे, कुछ देशों में, वर्ल्ड के कुछ देशों में डिटरेंट थ्योरी को फॉलो किया जाता है. उसके बाद आता है, आई एम वेरी श्योर आपने मेसोपोटामियन एम्पायर में एक शब्द सुना होगा, हमूराबी. हमूराबी इज कंसिडर टू बी, ही वॉज अ किंग. उनको कंसिडर किया जाता है कि वो पहला पीनल कोड लेकर के आए थे इस दुनिया के लिए. तो पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कोड अगर कोई माना जाता है, लॉ कोई माना जाता है डिटरेंस के लिए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द हमूराबी कोड. ठीक है, यस, हमूराबी कोड. हमूराबी कोड वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बेस्ड थी हमूराबी कोड. क्या होता है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट? आप लोगों ने सुना होगा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अगर एक आंख के बदले किसी व्यक्ति की दूसरी आंख ली जाएगी तो ऐसे तो पूरा विश्व ही अंधा हो जाएगा. वाह, क्या बात है, गजब. हमूराबी कोड ये बोलता था, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, खेल खत्म. तुमने मेरी आंख फोड़ी, मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा. तुमने मेरा दांत तोड़ा, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा. जो नुकसान तुम मुझे पहुंचाओगे बराबर उतना ही नुकसान मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा. यानी लॉ पूरी तरीके से रिवेंज बेस्ड था. ठीक, जैसा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी. दैट वॉज द रिट्रीब्यूटिव और द रिवेंज थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. रिवेंज थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ज्यादातर देशों में इसको फॉलो नहीं किया जाता, डेटरेंट से काम चल जाता है, इसलिए रेट्रीब्यूटिव थ्योरी फॉलो नहीं की जाती है. लेकिन अगर आप ट्राइबल एरियाज में चले जाएं, आप नोमैड्स बेस्ड एरियाज में चले जाएं, आप ऐसे एरियाज में चले जाएं जो बेसिकली लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशंस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, वहां पे, एंड बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही, नॉट इन इंडिया बट बहुत ही निचले तबके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी डिटरेंट थ्योरी को फॉलो किया जाता है, बट ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है स्टेट्स के द्वारा. दैट इज अ पॉइंट. ठीक, यस, हाँ, अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं. वाह, क्या बात है, ठीक है, सुन के अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है. अपराध ने, अपराधी ने अपराध क्या किया उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है. अपन लॉयर्स लोगों की एक स्टेटमेंट होती है ना, लॉ स्टूडेंट्स की एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, उनसे कोई कुछ भी पूछे, चाहे उन्हें सवाल आता हो, चाहे उन्हें सवाल का जवाब आता हो चाहे ना आता हो, उनका जवाब एक ही होता है, इट डिपेंड्स. जो भी तुम पूछ रहे हो उसका जो भी जवाब है, चाहे मुझे आए चाहे मुझे ना आए, द आंसर इज इट डिपेंड्स. किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो चार चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा. ठीक, सो रिमेंबर दैट पॉइंट. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी मतलब रिवेंज थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दैट इज इट. नेक्स्ट आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. ये भी पूरी तरीके से कहीं पे फॉलो नहीं किया जाता. रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब होता है कि हम हर जीवित व्यक्ति में भगवान का वास मानते हैं और हम किसी भी अपराधी को किसी प्रकार की सजा नहीं देंगे, अपितु उसको सुधार गृह भेज करके उसको सुधारने का प्रयास करेंगे. यह होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. ठीक, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. ठीक है,
इंडिया में काफी हद तक रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ही फॉलो किया जाता है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं. वी फॉलो द मिक्स्ड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, नॉट द एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. हमारा रूल क्या होता है? हमारा रूल बहुत सिंपल होता है. ठीक है भाई, इसराइल बोलता है कि आप इसराइल की तरफ आंख उठा करके देखो, अगर सीक्रेट एजेंसी होगी तो मोसाद खत्म कर देगा, और अगर वैसी अगर कोई देश अटैक करेगा तो हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं, उड़ा देंगे तुम लोग को, वर्ल्ड मैप से हटा देंगे. अमेरिका है, बाइडेन चचा, उन पे कोई अटैक करके देखे, ठीक है, बढ़िया, सब मार कूट के बराबर कर देंगे. इंडिया के साथ सिस्टम कैसा है? आप हमारे पे अटैक करके बताओ, हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ हॉकी नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे. मतलब ऐसे सब कुछ बुरा बुरा नहीं है, अच्छी चीजें भी है. ठीक, सो इंडिया में चलता है मिक्स्ड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. मोस्ट ऑफ द नेशंस, डेमोक्रेटिक नेशंस जो है, वो मिक्स्ड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को फॉलो करते हैं. मिक्स्ड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दीज टू और थ्री kinds of punishments. तो हमारे यहाँ पे क्या चलता है? हमारे यहाँ पे चलता है deterrent and reformative theory का mixture. इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ types of punishment दी हुई है. We have certain types of punishment in India. Now, what are those types of punishment? Anyone who would like to tell us? ठीक है? हाँ, treaty sign कर लेंगे हम उनके साथ. Yes, anyone. Thank you so very much, Gulshan. Anyone who would like to tell कि what are the types of punishment in the Indian Penal Code? या Indian Penal Code किन को recognize करता है? अब क्या बोलें दिव्या, अपन यार वही बात है ना, छोड़ यार. सेक्शन कौन सा है जनता? विच सेक्शन? भाई भाई, गुलशन रुक गया. गुलशन को लग रहा है कि मैंने पूछा है, सब समझ में आया. समझ में तो आ ही गया होगा. टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कितनी? 53 में दी है. पांच तरह की होती हैं, ठीक है, पांच तरह की पनिशमेंट चलती हैं भाई साहब. कौन कौन सी है एक बार वो देख लो शॉर्ट में. आज के लिए अपन इतने पे रोकेंगे, लेकिन समझ लेते हैं. पहली टाइप ऑफ पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी. विच केस सेज कि डेथ पेनाल्टी, हालांकि पढ़ेंगे इसको डिटेल में, डोंट वरी, बट विच केस सेज दैट डेथ पेनाल्टी खाली सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जा सकती है, यानी कि जो जघन्य अपराध होंगे, ठीक है, ऐसे अपराध होंगे, बर्बर अपराध होंगे, बारबेरिक ऑफेंसेस जो होंगे, उन्हीं में कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है. उसके अलावा और किसी भी ऑफेंस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती. द नेम ऑफ द केस इज बचन सिंह वर्सेस एसओ पंजाब, और इसको फर्दर रिट्रेट करके एक्सप्लोर किया गया, एक्सपैंड किया गया इन द केस ऑफ मच्छी सिंह. हाँ जी भाई, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस. ठीक, रिमेंबर दैट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था. अब देखिए, डेथ पेनाल्टी एक हो गई. दूसरे नंबर पे आता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास. आजीवन कारावास मतलब टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन. ये जो 14 साल का स्यापा है ना, ये बॉलीवुड ने फैलाया है, 14 साल की उम्र कैद. अरे चचा, उम्र कैद मतलब उम्र कैद, 14 साल कम्यूटेशन के बाद होती है. कम्यूटेशन कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां दी हुई है? 55A में दी है. सिंपल रूल, काहे को टेंशन लेना, सीधा सीधा सा हिसाब है. अब लाइफ इंप्रिजनमेंट के बाद थर्ड नंबर पे आता है अपना इंप्रिजनमेंट. ठीक है, इंप्रिजनमेंट दो टाइप का होता है. एक, आपको जेल में रहना है. ठीक है, आपको जेल में, हाँ, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आपको जेल में रहना है, सिर्फ रहना है, कुछ और करवाया नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, जेल में ही रहना है. दूसरा होता है रिग्रेस. ये तो हो गया सिंपल इंप्रिजनमेंट. दूसरा हो गया रिग्रेस इंप्रिजनमेंट. ठीक है, From the Shole movie, Dharmendra, aka Veeru, says, and I quote, I die, Budhiya going to jail, and then Budhiya Chakki piecing and piecing and piecing. वो जो Chakki piecing and piecing की बात हो रही है यहाँ पे, that is basically hard labor. आप लोगों ने कई ऐसी movies देखी होंगी जिसमें हमारे जो कैदी होते हैं वो क्या कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहे हैं. ठीक है, देखा होगा, पत्थर तोड़ रहे हैं. Yes, तो ये जो पत्थर तोड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, पत्थर तोड़ रहे हैं, ये उनसे हार्ड लेबर करवाया जा रहा है, मेहनत करवाई जा रही है, रिग्रस इंप्रिजनमेंट होती है. सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं है कि तुम्हें सोसाइटी से कट ऑफ करके जेल में रख दिया, अब रहो जेल में, बोर होते रहो, ठीक है, पत्ते खेलो. रिग्रस इंप्रिजनमेंट, हार्ड लेबर करवाया जाता है, दैट इज द सेकेंड काइंड ऑफ इंप्रिजनमेंट. फोर्थ नंबर पर आ जाता है हमारा शिवाजी द बॉस, दैट इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. आपकी पूरी संपत्ति जो है वो माल्या कर ली जाएगी, आपका एक एक जो प्रॉपर्टी है उसको ललित मोदी बना देंगे, और आप जितना भी अमीर बन जाएं, ठीक है, मिस यूनिवर्स को पटा लें, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई संपत्ति भारत देश में है, तो भैया वो तो हम जब्त करके बेच देंगे, ठीक, भले आईपीएल कैसा भी जा रहा हो, ठीक है,
दैट इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फेयर इनफ. तो ये सारी जो प्रॉपर्टी ऐसे जब्त करके बेच दी जाती है ना, दैट इज द पॉइंट. ये हो गया अपना फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फिफ्थ नंबर पे आ जाता है वो चीज जिससे कोई ज्यादा घबराता नहीं है, दैट इज फाइन. ठीक है, जुर्माना. क्या हुआ मैं अगर बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस पेपर के पकड़ा गया? दो चीजें हो सकती है. पहला, मेरा कोई रिश्तेदार ऊपर बैठा हुआ है, उससे फोन पे बात करूंगा. सर सर मैं सर एक मिनट सर फोन पे बात कर सर प्लीज सर सर प्लीज गाली क्यों दे रहे सर सर प्लीज एक बार फोन पे बात तो कर लीजिए सर, एक दफा बात तो कर लीजिए सर. फाइन, समझ में आ गया. जुर्माना एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका, हाँ तो बिना हेलमेट के थे, लो 4000 की पत्ती रखो, निकलते हैं. दोनों ही चीजें गलत है, गलत दोनों ही चीजें, लेकिन फाइन है, टाइप ऑफ पनिशमेंट है, चलता है. एक और टाइप ऑफ पनिशमेंट होता था इंडियन पीनल कोड में. ये पांच टाइप हैं, अगर आप इंप्रिजनमेंट को दो कंसिडर करो तो छह होते हैं. एक और टाइप ऑफ पनिशमेंट था जिसको अब एक दूसरा पनिशमेंट कर दिया गया है. अब नहीं, रिसेंटली नहीं हुआ है, 1950s में हुआ है. विच वॉज दैट ऑफेंस? एंड दैट ऑफेंस वॉज दैट एक्चुअली द ऑफेंस वॉज कन्वर्टेड इन टू वॉट? वेरी गुड, काला पानी की सजा. ठीक है, सजाए शाहजहां. ठीक, कि भैया अंकल आपको उठाएंगे और आपको अंडमान एंड निकोबार में सेंटिनलीज के सामने छोड़ के आ जाएंगे, बढ़िया फिर पका के खाएंगे, बोलो हमें नहीं पता. ठीक, दैट वॉज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ. आपको उठाया जाता था एक जगह से, एक आइलैंड पे जाकर के रख दिया जाता था जहां की खिड़की से आप ताजमहल को देखते रहो. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, दैट इज द रूल. ठीक, ये होता था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ. उसी को पलट करके ब्रूटल माना गया, बहुत बहुत हद तक, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि हॉस्टाइल नेचर का माना गया, गलत माना गया, क्योंकि व्यक्ति ट्रॉमेटाइज हो सकता है, पागल हो सकता है. अगर आपको किसी को इंप्रिजनमेंट देनी है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, लेकिन आप उसको टोटल सोसाइटी से कट ऑफ करके एकदम वो हैरी पॉटर में अज़्काबान की जेल है उधर भेज दोगे तो कैसे चलेगा? भैया उसने प्रिजन ब्रेक नहीं देखा है, अभी वेब सीरीज चालू नहीं हुई है, आप ऐसी जगह रखोगे छूटेगा कैसे? ठीक, दैट इज द पॉइंट. सो वो एक टाइप था, बट उसको कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट ही कर दिया गया. दैट्स इट. दीज आर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दैट यू एक्चुअली स्टडी इन द इंडियन पीनल कोड. एंड इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के अलावा बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज आते हैं, उनसे हम लोग डील करते हैं, लाइक ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट प्रॉपर्टी बॉडी मैट्रिमनी वुमेन. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, बहुत कुछ आता है. तो वी स्टडी दैट यूनिफॉर्मली. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो. ठीक है, सेंटेंसिंग पॉलिसी और वो सब अपन लोग डिस्कस करेंगे, फाइन वगैरह और जो भी पॉलिसीज चलती हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सारथी बैच में. बट अभी फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो आप लोगों को समझ में आया, फटाफट से बता दो. वंस अगेन आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आयुषी, क्योंकि आई एम रियली वेरी हैप्पी. थोड़ा सा आज मैं डल जा रहा था, थोड़ी सी आज एकदम डलनेस थी, लेकिन वो पूरी की पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एकदम शेयर पॉजिटिव एनर्जी. सो आई होप ये रिजल्ट आप लोगों को भी मोटिवेट करेगा, आप लोगों को भी इंस्पायर करेगा. रैंक 11 इज समथिंग अ रियली वेरी गुड रैंक फॉर somebody हु इज अ फ्रेशर, फॉर somebody जिसने सिर्फ मेहनत की है, चाहे वो कैसे भी करी हो मेहनत, यार पढ़ाई होती है, एंड रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है. ठीक, वी डू रीड सेक्शन 73 विद दैट हर्षिता. ठीक है, हाँ, फेस पर ग्लो आ रहा है ना आज, होता है यार, हो जाता है यार, ऐसे भावुक हो जाता है आदमी यार, और क्या चाहिए आपको. ठीक, चलिए, सो लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर, आज की कथा समाप्त करते हैं. कल 5:30 बजे फिर मिलेंगे, सेक्शन 1-4 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द इंट्रोडक्शन इज डन, कल अच्छे से मिलते हैं. एंड थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर स्टेइंग फॉर दैट लॉन्ग. रिमेंबर दैट जो ऑफर चल रहा है वो 31st August तक वैलिड है. ऑफर की पूरी डिटेल्स यहां पे हैं, बस याद ये रखना दैट यू हैव टू यूज द कोड JW10. चाहे आप RJS के लिए प्रिपेयर करो, MP के लिए प्रिपेयर करो, UP के लिए प्रिपेयर करो, बिहार के लिए प्रिपेयर करो, दिल्ली के लिए प्रिपेयर करो, हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ कहीं के लिए भी प्रिपेयर करो, रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट दैट 20% डिस्काउंट. ठीक, क्या मस्त पोपट की तरह बोल देते हैं सर, मजा ही आ जाता है. चलो लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर, आज का तो समाप्त करते हैं. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ. फटाफट से 7:30 बजे सेक्शन मेनियक है, उसमें जरूर आ जाओ, टेलीग्राम पे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, shivampadhyay_unacademy. सो दिस इज मी शिवपादे साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद. ठीक है, बाय बाय, सेक्शन मेनियक में मिलते हैं 7:30.